हेलो किसान भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गन्ने में उगने वाले खरपतवारों के बारे में। हमारे किसान भाई किस प्रकार इन्हें नियंत्रण कर सकते हैं, किन किन खरपतवार नाशियों का प्रयोग करके वे इन्हें खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों कई खरपतवार नाशी इस प्रकार के होते हैं कि वे गन्ने पर प्रभाव डालते हैं। हमारे किसान भाई किन खरपतवारों का प्रयोग करें जिससे कि उन पर गन्ने पर भी कोई प्रभाव ना पड़े, हर प्रकार के जो घास जो हमारे गन्ने में उगते हैं, चाहे वो दूब घास हो चाहे मोटा घास हो, उनसे छुटकारा पा सकें। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कंपनियों द्वारा कई प्रकार के हर्बिसाइडों का प्रयोग किया जा रहा है गन्नों में। एक किसान भाई जिसमें से बादशाह कंपनी की वैसनट कंप्लीट है, किसान भाई इसके जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखे गए हैं, क्योंकि किसान भाई जो इसमें टेक्निकल यूज़ किया गया है वह काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। किसान भाई जो इसका टेक्निकल है टोप्रोमाजोल प्लस अल्ट्रा, जिन दोनों का कॉम्बिनेशन किसान भाइयों इसमें दिया गया है। बात कर लें किसान भाइयों इसकी डोज की, तो किसान भाइयों यह 1200 ml की पैकिंग होती है जो एक एकड़ गन्ने के लिए किसान भाइयों यूज़ की जाती है। इसमें किसान भाई बात करें किन किन घासों को कंट्रोल हो सकता है किसान भाइयों, इसमें किसान भाइयों आपके मोथा घास छोड़कर बाकी सभी घासों को या किसान भाइयों जड़ से ख़त्म कर देता है। किसान भाई मोथा घास भी है हल्का फुल्का पीला पड़ा ऊपर से ख़त्म करते हैं, लेकिन जड़ से किसान भाइयों आपको यह ख़त्म नहीं कर पाता। जड़ से किसान भाई मोथा घास को आप ख़त्म करने के लिए किसान भाइयों आपको अलग से सैंपरा का यूज़ किसान भाइयों इसमें करना पड़ेगा। सैंपरा का किसान भाइयों छोटा पैकेट जो आता है 36 ग्राम का पैकेट होता है, इसके साथ किसान भाइयों आप यूज़ कर लें। अगर आपके खेत में मोथा घास ज़्यादा है तो वो भी किसान भाइयों आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा। बात कर लें किसान भाइयों इसके प्रभाव के, तो इसमें किसान भाई इसका प्रभाव गन्ने पर बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि किसान भाई कई कंपनियों के द्वारा कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं बनाई गई होती हैं जिसका गन्ने पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ जाता है। तो किसान भाई इसका इस प्रकार कोई प्रभाव आपके गन्ने पर नहीं पड़ता, ना ही किसी प्रकार के स्प्रे करने पर आपकी पत्ती जलती है। किसान भाई कई स्प्रे ऐसी देखी गई हैं जो स्प्रे करने पर गन्ने की पत्तियाँ जल जाती हैं, तो किसान भाई इस प्रकार का प्रभाव भी गन्ने पर बिल्कुल नहीं पड़ता। काफ़ी अच्छे तरीके से किसान भाई गन्ने में घास को जड़ से ख़त्म कर देता है। इसके अलावा किसान भाइयों आप टिंजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाई अभी काफ़ी अच्छी दवाई देखने को मिली है। किसान भाइयों हर्बिसाइड के तौर पर काफ़ी अच्छा किसान भाइयों इसका रिजल्ट देखने को मिला है, इसका किसान भाई गन्ने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और किसान भाइयों इसके अलावा आप ग्लाडो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसान भाई यह भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है किसान भाई उसका देखने को मिला। किसान भाई ग्लाडो के साथ आपको 500 ग्राम अल्ट्राजीन अलग से लेनी पड़ेगी किसान भाइयों। और किसान भाई सबसे जो बेस्ट रिजल्ट इस टाइम माउंट टाइम में देखा जा रहा है किसान भाई वैसे कंप्लीट का किसान भाई रिजल्ट देखने को मिला है। तो किसान भाइयों इसके रेट की बात कर ले तो रेट का किसान भाइयों आपको 1800 से 2000 के बीच में किसान भाइयों यह आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग अलग शहरों के हिसाब से अलग अलग किसान भाइयों रेट देखने को मिलते हैं। और यह किसी शहरों में 100 रुपये का खाली डिफरेंस रहता है किसान भाइयों, वैसे तो किसान भाइयों इसका सेम रिजल्ट है। और किसान भाई इसका जो आपको डोज लेनी है अपने पर एकड़ के लिए 1200 ml की पैकिंग आती है किसान भाई, वो एक एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। और किसान भाई 1000 ml की इसकी जो पैकिंग है वह मक्के के लिए यूज़ की जाती है किसान भाई। और किसान भाई आपको 150 से 200 लीटर पानी लेकर अपने खेत में अच्छे तरीके से स्प्रे करना देना है, और स्प्रे के बाद किसान भाई आपको अपने खेत की सिंचाई कर देनी है। और आप 1 हफ्ते या 10 दिन में आप किसान भाई देखेंगे आपके खेत से सभी प्रकार की घासें ख़त्म कर देगा यह। और काफ़ी अच्छा टेक्निकल किसान भाई इसमें दिया गया, काफ़ी अच्छी स्प्रे काफ़ी अच्छी हर्बिसाइड भी किसान भाई यह देखने को मिली है किसान भाई। उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी, और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब।